हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। बात करें आज की वीडियो की, तो आज की ये वीडियो बैंक अकाउंट को लेकर के है और लोन को लेकर के है, खासतौर पे कि हम लोन अगर ले रहे हैं तो कैसे उसकी एंट्री हम टैली आरपी 9 में करेंगे। और ये कमेंट आया हुआ है मेरे को प्रिया शर्मा का, और इन्होंने पूछा है कि बैंक से संबंधित सारे लेजर्स को बताइए। तो ये लेजर जो है, हम जब लोन लेते हैं बैंक से उसकी हम बात करेंगे, और साथ ही साथ एक और लेजर बना करके मैं दिखाऊंगा कि आप अपना अकाउंट अगर बैंक में खोल रहे हैं तो कैसे खोलेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और यहां से सबसे पहले टैली आरपी 9 को ओपन कर लेता हूं, और यहां पर देख सकते हैं ये हमारे पास कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे मैंने कैपिटल जो है कंपनी में निवेश कर दिया है, यानी लगा दिया है। और यहां से हमें इस कंपनी को बंद करना है, तो यहां पर क्लिक करके और यहां से शर्ट कंपनी पे क्लिक कर देता हूं, तो ये हमारी कंपनी अनिल एंड संस ये क्लोज हो जाएगी। अब हमारे पास एक ही कंपनी है, महेंद्र इंटरप्राइजेस, अब इसी में हमको काम करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, परचेजिंग करेंगे, तमाम चीजों की परचेजिंग करेंगे और अपना बैंक अकाउंट भी खोलेंगे। तो सबसे पहले मैं बैंक अकाउंट ही खोल लेता हूँ। बैंक अकाउंट खोलने के लिए हमें कहां जाना होगा, अकाउंटिंग वाउचर में जाना होगा। और अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद हमें जाना है कहां, हमें जाना है कंट्रा वाउचर में। तो यहाँ कंट्रा वाउचर में जैसे ही आएंगे, तो अब यहाँ पर हम बैंक से संबंधित लेजर्स का क्रिएशन करेंगे। ठीक है, हम अपने बैंक में कैश जमा कर रहे हैं, तो पहले बैंक अकाउंट खोलेंगे तो कुछ ना कुछ कैश हम जमा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे। अब मान लीजिए कि हमारा बैंक अकाउंट जो है SBI बैंक में है, मैं यहाँ पे SBI बैंक लिखता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, और ये जो है जाएगा बैंक अकाउंट में। ये अंडर ग्रुप, लिस्ट ऑफ ग्रुप आपको दिख जाएगा, और यहां से आप सेलेक्ट कर लीजिए बैंक अकाउंट। ये सेलेक्ट किया हमने, यहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन को रहने देते हैं हम, और यहां पर आप चाहे तो अकाउंट नंबर डाल सकते हैं, कोई भी एक डमी अकाउंट नंबर मैं डाल देता हूं। ये हमने डाल दिया, एंटर प्रेस किया, और यहां पर IFSC कोड आ रहा है, तो यहां पर IFSC कोड मैं डाल देता हूं। ये IFSC कोड डाल दिया हमने, और यहां पर ब्रांच का नेम दे देता हूं मैं, न्यू कॉलोनी देवरिया, ये दे दिया हमने, एंटर प्रेस किया। यहां पर चेकबुक्स की डिटेल्स आएंगी, तो अगर आप इसको यस करते हैं तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब इसमें ये कह रहा है कि किस चेक नंबर से स्टार्ट हो रहा है। जैसे मान लीजिए चेक जो इशू होगा आपको बैंक से, भाई जाहिर सी बात है कि आप एक कंपनी के तौर पर काम कर रहे हैं, तो जब कंपनी के तौर पे काम कर रहे हैं तो आपको बराबर लेन देन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो एक चेकबुक इश्यू होगा। तो चेकबुक का स्टार्टिंग नंबर मतलब कहां से स्टार्ट हो, 1 9 1 0 0 एंड 0, ये कर लिया हमने, एंटर प्रेस किया। तो ये कुल मिलाकर के हमारे पास 113 चेक्स हैं इसमें। और अगर आप चेकबुक पर जो नाम प्रिंटेड है वो देना चाहते हैं, तो महेंद्र इंटरप्राइजेस के नाम से है हमारी कंपनी, तो यहां पर हम दे सकते हैं महेंद्र इंटरप्राइजेस, तो ये हमने दे दिया। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, अगर कोई दूसरा भी चेक है तो उसकी डिटेल यहां पे भर देंगे। ये प्रिंटिंग का कॉन्फ़िगरेशन है, अगर आप इसको एक्टिवेट करना चाहते हैं तो यहां से एक्टिवेट कर सकते हैं, और इसमें आप प्रिंटिंग का कॉन्फ़िगरेशन भी सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं अभी इसको रहने देता हूं। अपने बैंक का जो एड्रेस है वो यहां पे डाल देंगे हम, एंटर प्रेस किया, कंट्री, और यहां पे पिन कोड डाल देंगे, जो भी पिन कोड है हमारे बैंक जहां भी सिचुएटेड है उसका पिन कोड यहां पे डाल देंगे। और यहां पर आपको डालना है GSTIN नंबर, तो SBI का GSTIN नंबर जो होगा वो आपको यहां पे डालना होगा। ओके, तो ये इसको वेरीफाई करेगा, और ये वेरीफाई करने के बाद यहां से ओके हो जाएगा। बल्कि कैश रखना है, ये बात ध्यान रखिएगा, आप कैश जमा करेंगे तो यहां पर कैश ही रखना है आपको, तो यहां पर सीधा सीधा आप कैश करेंगे। ये कैश किया आपने, और यहां पर जैसे ही आएंगे तो यहां पर आपको करना है SBI बैंक, SBI बैंक में आपने इतने रुपए जमा किए, 5000 रुपए, तो मान लीजिए 2000 की दो नोट थी और 500 की दो नोट थी, तो ये 5000 रुपए यहां पर आ गए, और इसको एक्सेप्ट अप करवा लेंगे हम। तो ये हमारा SBI बैंक में खाता खुल गया। ओके, इस तरह से हम बैंक अकाउंट अगर खोलना हो तो कैसे खोलेंगे। अब बात करेंगे लोन की, तो लोन कैसे लेना है हमें वो बात करेंगे। तो अभी हमको कंट्रा वाउचर में ही रहना है।
अभी देखिए हमारे पास जो है, हमने अभी खाता खोला है एसबीआई बैंक में, हमको लोन लेना है। तो लोन लेना है तो एक लेजर हमको बनाना होगा लोन फ्रॉम बैंक के नाम से, ठीक है। तो यहां से अल्ट के साथ सी प्रेस करता हूं, लोन फ्रॉम बैंक कर दिया हमने, ओके, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया। अब यहां पर कौन सा ग्रुप हम सेलेक्ट करेंगे ये समझने वाली बात है। तो यहां पर आपको सेलेक्ट करना है बैंक ओडी अकाउंट, इसी को सेलेक्ट करना है, एंटर प्रेस किया हमने, ठीक है। यहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन और ये सेट ओडी लिमिट, इसको मैं अभी छोड़ देता हूं, एंटर प्रेस करता हूं। अब किस अकाउंट में ये जाएगा, ये सारी डिटेल आपको फिल करनी होगी, तो यहां से मैं फिल कर देता हूं, एंटर प्रेस किया हमने, और आईएफएससी कोड जो भी डालना है यहां पर डाल करके, और यहां पर ब्रांच का नाम डाल देंगे, ये डाल दिया हमने ब्रांच का नाम, एंटर प्रेस किया, और यहां पर चेकबुक्स की डिटेल जो ही जो भी आपकी हैं वो सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको छोड़ता हूं, नो करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं। यहां पर बैंक का एड्रेस आ जाएगा, न्यू कॉलोनी देवरिया, ये हमने दे दिया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, और यहां पर पिन कोड आ जाएगा, ये हमने किया। और यहां पर बैंक का जीएसटीएन नंबर जो है वो दे सकते हैं, फिलहाल मैंने छोड़ दिया है। अब ये लोन फ्रॉम एसबीआई बैंक कितना लोन ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए 1,00,000 रुपए लोन ले रहे हैं, हो गया, ये आ गया। अब यहां पर डेबिट किसको करेंगे, तो यहां पर करेंगे डेबिट कैश को, और इसको अब हमें सिर्फ एक्सेप्ट करना है यहां से, तो अब इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप चाहे तो नरेशन भी डाल सकते हैं, तो ये हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरीके से हमने बैंक से लोन जो है ले लिया। अब इसको देखना होगा तो कहां जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, तो ये कंट्रा वाउचर की एंट्री आपको दिख जाएगी, ये 1,00,000 रुपए का लोन जो हमने लिया वो यहां पर शो हो रहा है। अगर आप इसका प्रिंट निकालना चाहें तो अल्ट के साथ पी प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए, तो यहां से ये प्रिंट भी निकल जाएगा। लोन के नाम से इसे सेव करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं इसका प्रिंट कैसा दिखेगा। और ये हो गया हमारा, और ये यहां पर आ चुका है, ये लोन के नाम से डबल क्लिक करेंगे तो देख पाएंगे ये जो हमने लोन लिया था बैंक से, वही इसका रिसिप्ट जो है ये हमारे सामने दिख रहा है। तो इस तरीके से हम लोन लेने की एंट्री कर सकते हैं। अब इसी लोन को अगर रिटर्न करना हो तो क्या करेंगे, रिटर्न जब भी करना होगा तो आपको क्या करना है, यहां से बाहर आना है और इसी लोन को रिटर्न करना है, ठीक है। तो चलना है अकाउंटिंग वाउचर, मैं वी प्रेस करता हूं, अभी कंट्रा वाउचर में हम हैं। तो इस बार क्या करेंगे हम, इस बार लोन फ्रॉम बैंक किया था, इस बार हम यहां पर कैश करेंगे, ये कैश कर दिया हमने, और 1,00,000 रुपए में से 50,000 रुपए लोन जो है हम मान लीजिए चुका रहे हैं, तो ये हमने 50,000 कर दिया और SBI बैंक को ये जा रहा है, और एंटर प्रेस किया हमने। और कैसे जाएगा ये, अगर हम कैश से दे रहे हैं तो मान लीजिए कि 25 नोटे हैं जो 2,000 की हैं, तो ये हो गया 50,000 रुपए, और ये 50,000 रुपए लोन हमने चुका दिया। तो अभी हमारे पास जो लोन